नमस्कार, लेट्स कुक विद भूमि सुता में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मीठी चावल या स्वीट राइस। इसके लिए हमें ये सब इंग्रेडिएंट्स सामान चाहिए। वीडियो पूरा देखिए आप, और इससे पहले आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए देखते हैं। एक कढ़ाई लीजिए, उसमें आप घी ले लीजिए 1 चम्मच। घी थोड़ा गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे काजू और इसको हम ब्राउन होने तक भून लेंगे। अभी हमारा काजू जो है थोड़ा ब्राउन हो चुका है, इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। उसी कढ़ाई में हम डालेंगे गुड़ 1 कप। अब डिटेल्स सामान जो है कितने कितने क्वांटिटी में चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या ऊपर आ रहे पेज पर आप क्लिक कर सकते हैं मेरे दूसरे रेसिपी वगैरह देखने के लिए। ये देखिए, थोड़ा पानी डालेंगे इसमें हम लगभग 2 चम्मच, और गुड़ को मेल्ट होने तक पकाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम गुड़ को मैश कर देंगे। अभी गुड़ और पानी देखिए लगभग पक चुका है। अभी इसमें हम डालेंगे इलायची, लौंग और काली मिर्च। आप चाहे तो इसको कूट के डाल सकते हैं, मैंने खड़ा डाला है। अभी देखिए, इस तरीके से झाग आ जाएगा। आपको ज़्यादा पकाना नहीं है गुड़ को। अभी इस समय हम पका हुआ चावल ले लेंगे। आपका जो बचा हुआ चावल रहेगा उससे भी आप बना सकते हैं, या फ्रेश चावल से भी आप बना सकते हैं। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। अभी हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। एक छोटा चम्मच डालिए इसमें। मैं 1 कप चावल के लिए, मैं 2 लोगों के लिए बना रही हूँ, और आप ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो आप उस हिसाब से ज़्यादा डालिए। इसको हम लगभग 5 मिनट के लिए पकने देंगे गुड़ में। अभी देखिए, हमारा चावल जो है गुड़ में अच्छी तरह से पक गया है और कलर भी आ गया है इसका येलो। और इसमें अभी हम डाल देंगे भुना हुआ काजू, और इसको हम सर्विंग बाउल में निकल के सर्व कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। थैंक यू।